बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रियाम, कुकिंग विद रियाम यूट्यूब चैनल से। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी पुदीने की चटनी, जो कि हम रमज़ान स्पेशल में बना रहे हैं पकोड़ों के साथ, कबाब के साथ। आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए वो देख लेते हैं। हमने लिया है सबसे पहले जी पुदीना और धनिया। आधी गड्डी ली है मैंने धनिए की और एक गड्डी ली है पुदीने की। पुदीने की इस तरह डंडियों से पत्तियां अलहदा कर ली हैं, दोनों चीज़ों को मैंने धो लिया है अच्छे से। और इमली ली थी मैंने तकरीबन 50 ग्राम, या आप इतना सा देख लीजिए, इतनी होगी। उसको पानी में भिगो दिया था, उसकी गुठलियाँ अलहदा करी, उसका सारा पल्प अलहदा कर लिया, ये तकरीबन हाफ कप जितना है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसे रफली चॉप कर लिया है। दो मीडियम साइज़ के टमाटर ले लीजिए, या एक वन लार्ज टमाटर रफली चॉप कर लीजिए। 6-7 हरी मिर्चें ली, उनको धो के रफली काट लिया है। ज़ीरा लिया है, कुटा भुना ज़ीरा 1 टीस्पून लिया है। नमक 1 टीस्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। आप अपने मर्ज़ी से मिर्चें जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक ब्लेंडर जग और इसके अंदर हम डालेंगे धनिया और पुदीना। इसको हमने ब्लेंडर में बनाना है। आप चाहें तो इसको, लेकिन रमज़ान में क्योंकि जल्दी होती है तो आप इसे ब्लेंडर में बना लीजिए, अदरवाइज़ आप इसे सिलबट्टे पे भी बना सकते हैं। डालेंगे इमली का पानी सारा और हम साथ में ही डाल देंगे ये हरी मिर्चें, अदरक लहसुन और ज़ीरा और टमाटर। अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी शामिल थोड़ा सा कर सकते हैं, अदरवाइज इसी में ही हो जाएगा। हाँ जी, तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो चटपटी खट्टी मीठी पुदीने की और इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। यकीन करें बहुत ही टेस्टी है। आप इसे कबाब के साथ, पकौड़ों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में और रिस्क में बरकत अता करें। अल्लाह हाफिज़।